मिर्जापुर एसीपी संतोष कुमार मिश्रा ने थाना कटरा कोतवाली में सिटी सर्कल के थानों का निरीक्षण किया एवं आपराधिक गतिविधियों पर चर्चा कर शहर क्षेत्र में सीआरपीएफ के जवानों और पुलिस बल के साथ रूट मार्च निकाला। रूट मार्च के दौरान पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्रीय लोगों से बातचीत भी की। देखिए हमारे संवाददाता तौसीफ अहमद की रिपोर्ट। सर, पर्याप्त पुलिस बल के साथ आज रूट मार्च किया गया है, इसमें सीआरपीएफ का क्या उद्देश्य है रूट मार्च का? जनपद मिर्जापुर में लगातार प्रत्येक दिन एक सर्कल का ओआर एवं सैनिक सम्मेलन रखा जा रहा, उसी के तहत चार सर्कल के ओआर होने के बाद में आज जो सिटी सर्कल है उसका ओआर रखा गया है, विवेचना जो परीक्षण है वो रखा गया है और साथ ही साथ सैनिक सम्मेलन एवं क्षेत्र में पैदल गश्त में फुट पेट्रोलिंग का कार्यक्रम यहाँ पर रखा हुआ है। इसी के तत्वावधान में आज थाना कटरा सर्कल सिटी में आज यहाँ पर पूरी फोर्स यहाँ पे उपस्थित है, जिसमें कि तीन थाने कोतवाली, विंध्याचल और कटरा, इन तीनों थानों के जो विवेचकगण हैं वही मौजूद हैं। इस दौरान फुट पेट्रोलिंग और पैदल गश्त की भी कार्रवाई की गई, जिसमें कि हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जो लोग थे, साथीगण थे, वो भी मौजूद रहे और साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले जो लोग थे उनसे भी वार्ता करके उनका हालचाल जाना गया और किसी प्रकार की जो समस्या है पुलिसिंग रिलेटेड उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। और साथ ही साथ थाना प्रांगण में आज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके में क्या कार्य किया जा रहा है विवेचकों के द्वारा, उसके बारे में दिशा निर्देश देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के जो दिशा निर्देश है, जिसमें कि IGRS, जन सुनवाई और साथ ही साथ महिला संबंधी अपराध, फुट पेट्रोलिंग, अतिक्रमण हटाना इत्यादि जो प्राथमिकताएँ हैं उसके बारे में अवगत कराया जा रहा है और साथ ही साथ जो अपराधी हैं उनके खिलाफ में फुर्ती की कार्रवाई, हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग खोलना, ये सब भी कठोर कार्रवाई जो क्रिमिनल के खिलाफ होनी है उसके बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। एवं इन जनरल भी आगामी जो आने वाले त्यौहार हैं, कानून व्यवस्था की अन्य जो चुनौतियां हैं उसके बारे में भी सबको सेंसिटाइज कराया जा रहा है और जनपद मिर्जापुर में लगातार इसी तरीके से अभियान चलता रहेगा, अपराधियों के नकेल प्रस्तुत चल रही है।